लूसीफर का लास्ट एपिसोड गाइस हम लोगों ने फादर किनली की डेथ पे छोड़ा था, जहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को एक हिंट दिया था कि अगर किसी की सोल हेल में चली जाए और वहाँ से कोई डीमन बन के किसी की बॉडी पे कब्जा कर ले तो क्या हो सकता है। इसी के साथ गाइस आज हम इस एपिसोड के अंदर एक बहुत पेनफुल गुड बाय भी देखेंगे। हम सभी को पता है कि गुड बाय कितना ज्यादा पेनफुल हो सकता है, लेकिन जब वो गुड बाय लूसीफर से रिलेटेड हो तो फिर कैसा होगा? क्या लूसीफर अर्थ पे रुकेगा या फिर वो वापस से चला जाएगा? तो गाइस इन सारी चीजों के आंसर हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेंगे। तो चलिए फिर आज एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लूसीफर को देखते हैं, जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर एक डेविल से वापस ह्यूमन में बदल चुका था। इसी कारण वो बहुत खुश था और हर जगह अपनी खुशी जाहिर करने के लिए डांस कर रहा था। जब क्लोई उससे पूछती है कि आखिर आज तुम इतने खुश कैसे हो, तो लूसीफर बताता है कि देखो मैं वापस पहले जैसा बन चुका हूँ। क्लोई को यहाँ डर था कि कहीं लूसीफर को कुछ हो ना जाए और वो उससे दूर ना हो जाए, इसी कारण उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जहाँ लूसीफर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल कोई जरूर मरेगा, तो तुम मुझे बुला लेना। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है ईव पे, जिसने लास्ट एपिसोड में फादर किनली को मार दिया था। इसी कारण वो फ्लोर पे ब्लड छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ मेज आती है और ईव को कहती है दरवाजा खोलने के लिए। जब ईव दरवाजा नहीं खोलती है तो मेज दरवाजा तोड़ के अंदर आती है और ईव को कहती है कि फादर किनली कहाँ पे गए हैं। ईव डरते डरते सारी बात बताती है कि उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैंने ही उन्हें मार दिया, लेकिन अब न जाने वो कहाँ चले गए हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लूसीफर अपने भाई एमिनडील और लिंडा से मिलने के लिए आया था, जहाँ पे वो छोटे एंजल बेबी चार्ली को अपनी गोदी में उठाता है और फटाफट से उसके डैडी यानी कि एमिनडील को दे देता है। जिसके बाद एमिनडील कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ लूसीफर कहता है कि ये सारे मामले तुम अपने आप से सुलटा लो। तभी यहाँ एक नर्स आती है जो कि एमिनडील के हाथ से बेबी को लेती है और कहती है कि हमें बेबी के हाथ पे एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा ताकि आपकी एंजल बेबी को कोई उड़ा के ना ले जाए। यहाँ लूसीफर लिंडा से आके मिलता है और उसे एक बहुत एंशिएंट बुक गिफ्ट करता है, जिसे लिंडा देख के खुश तो थी ही, लेकिन लिंडा लूसीफर को ये भी कहती है कि खुद को माफ करना इतना इजी नहीं हो सकता है। जिसके बाद में हम एक रैपर को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पे आके खुद के एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा कोई राइवलरी था जिसका नाम मोनोपोलाइज था और उसके साथ बहुत ही जल्द हम लोग मिलके एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। जब डोरबेल बजती है और यहाँ ये रैपर जिसका नाम हौला था वो गेट ओपन करता है, तो वहीं उसे कोई ब्लेड से मार देता है। नेक्स्ट सीन के अंदर पूरी पुलिस टीम हौला के स्टूडियो में पहुंच चुकी थी, जहां एला बताती है कि हौला का इतना ज्यादा ब्लड निकल चुका है कि अगर वो कहीं पे भी गया होगा तो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां दूसरी तरफ जब लूसीफर को पता चलता है कि एक केस मिला है, तो वो क्लोई को कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और इसके बाद में अब लूसीफर और क्लोई मिलके कहते हैं कि हौला वीडियो के अंदर जिस बंदे की बात कर रहा है हमें उससे मिलना चाहिए। जहां पे दोनों मिलके एक रैपर जिसका नाम मोनोपोलाइज था उसी के घर पे आते हैं। यहां ये बंदा बताता है कि हौला के साथ मेरी कुछ अनबन चल रही थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। यहाँ पे मोनोपोलाइज के साथ जो उसका दोस्त खड़ा था वो उसे बोलता है कि तुम पुलिस वालों को सारा सच क्यों नहीं बताते हो। जहाँ पे मोनोपोलाइज कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर हंसना मत, लेकिन मैं जब हौला के स्टूडियो गया था तो वहाँ पे एक आदमी खून भरे हाथों से बाहर निकला था और उसके एक ही मिनट बाद में हौला निकला, लेकिन उसके चेस्ट के अंदर ब्लेड भी था। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा कैसे है, लेकिन वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के निकल गए। यहाँ क्लोई और एला मिलके बात करते हैं कि अगर ये रैपर जिसका नाम हौला है वो जिंदा है, दैट मीन सिर्फ और सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही है, यानी कि हौला ने खुद के मरने का नाटक किया। इसके बाद क्लोई लूसीफर को कहती है कि तुम घर जा सकते हो, अगर कुछ केस के बारे में होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। क्लोई ने लूसीफर को इसलिए भेजा था क्योंकि एक पिक्चर जो कि एक फैन ने अपलोड की थी, इसमें हौला के साथ उसे एक आदमी और दिखा था और वो आदमी है फादर किनली। यहाँ हम देखते हैं कि क्लोई डॉन बन के रात में चर्च के अंदर पहुँचती है। हालांकि उसे अकेले तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ उसे मिल जाती है मेज। क्लोई और मेज आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो। मेज कहती है कि मैं बस फादर किनली को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं मिले हैं। क्लोई बोलती है कि एक विक्टिम ने हमें काफी अजीब सी बात कही है, वो बता रहा था कि हौला पे जिंदा है मरने के बावजूद भी, और जैसा कि तुम बता रही हो कि फादर किनली को ईव ने मारा है तो फिर वो भी जिंदा है। जहाँ मेज ये सारी बातें समझ जाती है और क्लोई को बताती है कि सब कुछ डीमंस का किया धरा है, हालांकि ये सब कुछ लूसीफर ने बंद करवा दिया था काफी हजारों सालों पहले ही। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग फादर किनली को देखते हैं, जिसके अंदर एक डीमन आया हुआ था जिसका नाम ड्रोमोस था। लूसीफर फादर किनली को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर किनली यहाँ क्या कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कैसा ड्रेसअप कर रखा है। वहीं फादर किनली जिनके अंदर ड्रोमोस का डीमन था वो लूसीफर को गले लगाता है, उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि कितने अरसे हो गए हैं आपको देखे हुए हमारे किंग। जिसके बाद में लूसीफर ड्रोमोस की लैंग्वेज सुन के समझ जाता है कि ये तो मेरे हेल का एक डीमन है, लेकिन ये अर्थ पे क्या कर रहा है। यहाँ मेस क्लोई को सब कुछ बताती है कि डीमंस
इंसानों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो सोल ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हों। जिसके बाद में क्लोई कहती है कि इसका मतलब है कि हर जगह भी डीमन घूम रहे हैं। यहाँ लूसिफर ड्रोमोस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ड्रोमोस पूरी कहानी बताता है कि मेरे पास एक फादर आके बोलते हैं कि एक भविष्यवाणी सच होने वाली है, और इसी के साथ वो फादर बोलता है कि हमें हमारे हेल के राजा की जरूरत है। जिसके बाद में ड्रोमोस लूसिफर को ये भी बताता है कि आखिर आपसे मिले हमें कितना अरसा हो चुका है, आपके जाने के बाद में हेल में बहुत तबाही मच चुकी है, तो शायद आपको हमारे साथ चलना चाहिए। लूसिफर हेल में जाने के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं हेल आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। लो चलो, मैंने यहाँ की हर चीज की कसम खा ली और आज से तुम्हें हेल का राजा बना दिया। जहाँ ड्रोमोस लूसिफर को कहता है कि आपको भी पता है कि हेल का राजा कोई भी डीमन नहीं बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक एंजल ही हेल का राजा बन सकता है। जहाँ लूसिफर ड्रोमोस की कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अब तुम हेल चले जाओ। जिसके बाद में ड्रोमोस कहता है कि अब आप यहाँ पे अकेले अय्याशी करने आए हैं तो थोड़े दिन मैं भी रुक ही जाता हूँ और यहाँ के इंसानों को तड़पा के जाऊंगा। जिसके बाद में लूसिफर बहुत भड़क जाता है ड्रोमोस के ऊपर और अपनी डेविल वाली आंखों से उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है लिंडा पेज, जो कि अपने एंजल बेबी को गोदी से भी नीचे नहीं उतारती है। यहाँ हेमेनाडील के मन में था कि शायद वो उसे सिल्वर सिटी ले जाएगा, इसी कारण वो लिंडा को कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। जहाँ लिंडा अपने बेबी को हेमेनाडील को देती तो है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोलती है कि मैंने एक नाइट नर्स को बुलाया है ताकि हम दोनों भी आराम कर सके। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मेज और क्लोई पे, जो कि लूसिफर को ये बताने आए थे कि डीमन अर्थ पे आ चुके हैं। जहाँ लूसिफर कहता है कि ये बात मुझे पहले ही पता थी, मैं ड्रोमोस से मिल चुका हूँ और इसी के साथ एसक्यू भी यहीं पे है। जहाँ मेज कहती है कि मेरी एसक्यू के साथ में बिल्कुल नहीं बनती है, यानी कि एसक्यू नाम का डीमन हॉला की बॉडी के अंदर आया था। लूसिफर कहता है कि मैंने सारी बात संभाल ली है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तभी यहाँ क्लोई के पास मैसेज आता है और वो कहता है कि अभी के अभी हमें लिंडा के पास जाना पड़ेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है लिंडा के घर पे, जहाँ मेज भागती हुई आती है और लिंडा मेज को बताती है कि चार्ली घर पे नहीं है। यहाँ एला का कहना था डैन से कि जरूर बेबी एमिनाडील के पास में ही होगा, लेकिन एमिनाडील भी अभी गायब है, ना तो वो फोन उठा रहा है ना ही मैसेज उठा रहा है, तो शायद हम उसे विक्टिम मान सकते हैं। दूसरी तरफ जब क्लोई और लूसिफर लिंडा के पास में आते हैं तो लिंडा बताती है कि एमिनाडील मेरे चार्ली को कहीं ले गया है। यहाँ लूसिफर लिंडा को बताता है कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर एमिनाडील मुझसे क्या कहना चाहता था। पहली गुड न्यूज तो ये है कि तुम्हारा बच्चा एमिनाडील के साथ में ही है, लेकिन दूसरी बैड न्यूज ये है कि वो अभी हेविन है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लिंडा सोचती है कि शायद चार्ली मर गया है, तो लूसिफर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा बेटा आधा एंजल है, यानी कि वो कभी भी हेविन में आ जा सकता है। तभी यहाँ पे एमिनाडील आ जाता है और लिंडा उसे जोर जोर से मार के पूछती है कि मेरे बच्चे को लेके आओ, आखिर मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। जो एमिनाडील कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, चार्ली कहाँ पर है, मैं तो उसे नाइट नर्स यानी कि किम को देके गया था। इधर जब क्लोई बताती है कि किम की अपॉइंटमेंट पहले ही कैंसिल कर दी गई थी, वो भी यहीं से, तो फिर किम के पास में बच्चा कहाँ से आया। क्लोई यहाँ पे नाइट नर्स यानी कि किम की तस्वीर एमिनाडील को दिखाती है, तो एमिनाडील कहता है कि मैंने मेरा बच्चा इसके हाथ में नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ एला और डैनी पता लगा लेते हैं कि ये अपॉइंटमेंट कैंसिल किसने करवाई थी। क्लोई उनसे उसी लड़की की तस्वीर मंगाते हैं। यहाँ पे एला बहुत टेंशन में होती है, जहाँ डैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। इधर क्लोई के पास में एक लेस्ली नाम की लड़की की फोटो आती है, जिसे वो एमिनाडील को दिखाती है कि क्या तुमने चार्ली को इसे ही दिया था। जहाँ एमिनाडील कहता है कि बिल्कुल, मैंने मेरे बेटे को इसी के हाथ में दिया था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एक चर्च में, जहाँ ड्रोमोस हेल के सारे नियमों को तोड़ रहा था, यानी कि वो इंसानों को मार के हेल से डीमन को इंसानों के अंदर डाल रहा था, और इसी के साथ यहाँ पे एंजल बेबी यानी चार्ली इसी के हाथ में था। दूसरी तरफ एला और डैन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक रैपर, एक किम नाम की लड़की और एक लेस्ली, इतने सारे लोगों के बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है, आखिर ये लोग मर भी रहे हैं और इनके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। जहाँ लूसिफर क्लोई को बाहर बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि डीमन अर्थ पे उतर चुके हैं और ये सब उन्हीं का ही काम है, तो क्लोई कहती है कि हमें शायद एला और डैन को बता देना चाहिए। तो लूसिफर कहता है कि ये लोग ये बात कभी नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा होगा कि ये केस हम खुद से ही सॉल्व कर ले। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग ड्रोमोस को देखते हैं, जिससे ईव मिलने के लिए आई थी। ड्रोमोस के ऊपर वो गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम्हें किस काम के लिए बुलाया गया था, क्या तुमने लूसिफर से बात की, क्या वो हेल जाने के लिए तैयार हो चुका है। जहाँ ड्रोमोस कहता है कि मैंने हर कोशिश करके देख ली है, उसने खुद को राजा बोलने से मना कर दिया है और ना ही अब तुम मेरे ऊपर हुक्म चला सकती हो। जिसके बाद में ईव यहाँ पे एंजल बेबी यानी चार्ली को भी देखती है और वो ड्रोमोस को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इंसानों के साथ में। यहाँ ड्रोमोस ईव के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता और कहता है कि तुम मेरी कोई महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बेचारी ईव ड्रोमोस से एक चांटा भी खा लेती है। यहाँ लूसिफर और क्लोई जब लक्स में आते हैं तो पूरी लक्स की 12 बजी हुई थी, यानी कि हर सामान टूट फूट चुके थे। जहाँ लूसिफर कहता है कि ये काम जाहिल डीमंस का ही हो सकता है, लेकिन लूसिफर को घर में से एक भी चीज चोरी हुई हुई नहीं मिलती है। लूसिफर जब लॉकर खोलता है
है तो उसे वही शीशी गायब मिलती है जो कि क्लोई को एक टाइम भी फादर किनली ने दी थी ताकि लूसीफर वापस हेल जा सके। यहाँ लूसीफर कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, वो लोग किसी को मारना नहीं चाहते हैं बल्कि हेल का किंग बदलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने मना कर दिया है कि मैं हेल नहीं जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक एंजल ही है जो कि हेल का किंग बन सकता है, और चार्ली एक ऐसा बच्चा है जो कि आधा एंजल है। इधर ईव भागती हुई लूसीफर और क्लोई के पास आती है जो कि बताती है कि एक एक्सीडेंट के अंदर मुझसे फादर किनली की डेथ हो गई और मैंने उन्हें ये भी बताया था कि ऊपर जाके वो किसी डीमन को भेजे ताकि वो लूसीफर यानी अपने राजा को लेके जा सके, लेकिन उसके बाद में ड्रामोस ने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये बात लूसीफर और क्लोई सुनते हैं तो ईव पे बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने अपनी सेल्फिशनेस के कारण इतना सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद में लूसीफर ईव से पूछता है कि अब ये बताओ कि वो इस टाइम पे कहाँ है, तो ईव कहती है कि मेरी जब आंखें खुली तो उस चर्च में कोई भी नहीं था लेकिन इस टाइम पे वो कहीं जाने वाले हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। जहाँ क्लोई कहती है कि उस रैपर हॉला का एक चर्च के अंदर कॉन्सर्ट होने वाला था और वो चर्च एक ऐसी जगह है जो कि लोगों को कुछ काम करने के लिए दिए जाते हैं, आज जब हॉला का कॉन्सर्ट नहीं होने वाला है दैट मीन्स वो जगह वेकेंट है, तो शायद ये सारे डीमंस मिलके वहीं जाने वाले हैं। इधर हम लोग देखते हैं ड्रामोस जिसके पास एंजल बेबी था वो उसे हेल का किंग बनाने के लिए पूरा प्रोसीजर करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे लूसीफर और क्लोई भी पहुंच जाते हैं। लूसीफर क्लोई को अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम अगर मेरे आसपास रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कि तभी यहाँ पे ईव आ जाती है और कहती है कि लूसीफर के साथ में मैं रहूंगी, मुझे आखिर मेरी गलतियों पे बहुत पछतावा है और शायद मुझे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जिसके बाद मियां एमेनेडील और मेज भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितने लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ एंजल्स की पूरी टीम पहुंच जाती है डीमंस की टीम से लड़ने के लिए। लूसीफर फिर से एक बार ड्रामोस को आगाह करता है कि तुम ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन ड्रामोस कहाँ बात सुनने वाला था। जिसके बाद में एमेनेडील और मेज यहाँ के सारे डीमंस को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं ईव मौका देख के ड्रामोस के मुंह पे कपड़ा बांधती है और उसके हाथ से एंजल बेबी लेने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लूसीफर भी इन सारे डीमंस को बुरी तरीके से मारता है। चार्ली को लेके बाहर निकलती है कि तभी यहाँ लेस्ली आ जाती है और वो ईव को फिर से मारती है, लेकिन तभी यहाँ पे क्लोई पहुंच जाती है। वो लेस्ली जिसके अंदर एक डीमन था उसे शूट करती है, लेकिन इन डीमंस का तो क्या बिगड़ने वाला था कि तभी यहाँ पे क्लोई एक लोहे का स्टैंड लेती है और मिला के लेस्ली के सर में देती है, लेकिन लेस्ली का फिर भी कुछ नहीं होता है। वो क्लोई का पैर पकड़ लेती है कि तभी ईव की हील जाती है सीधा लेस्ली की आंख के अंदर और वो डीमन वहीं पे खत्म। यहाँ हम लोग लूसीफर को देखते हैं जो कि ड्रामोस को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे क्लोई आ जाती है। लूसीफर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तो क्लोई कहती है कि मैं बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लूसीफर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस टाइम पे यहाँ रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वो रूप देखो। जहाँ क्लोई कहती है कि मैं यही बात तो तुम्हें कहना चाहती थी, मैं तुम्हारे डेविल वाले रूप से बिल्कुल भी नहीं डरती और मैं ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे ड्रामोस ने जिन जिन लोगों को मारा और उन सारी बॉडीज के अंदर डीमन को बुलाया था वो एक बहुत बड़ी टीम बन के आ जाते हैं जो कि क्लोई को लूसीफर से दूर कर देते हैं। और अब लूसीफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था एक हेल का किंग बनने के अलावा। लूसीफर का पहला डायलॉग आता है कि सभी झुक जाओ मेरे सामने, जिसके बाद में हर एक डीमन लूसीफर के सामने झुक जाता है। जिसके बाद में लूसीफर दूसरा डायलॉग बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और तीसरा डायलॉग बोलता है कि सभी के सभी इंसानों के शरीर को छोड़ के चले जाओ। जिसके बाद में हर एक डीमन इंसान के सोल को छोड़ देता है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं और लूसीफर फिर से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है, जिसे देख के क्लोई थोड़ी बहुत खुश थी और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मुझे बस इसी चीज का तो डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। यहाँ पे ईव जब चार्ली को बाहर लेके आती है तो यहाँ पे मेज और एमेनेडील भी थे। एमेनेडील चार्ली को अपने साथ लेके खुशी खुशी चला जाता है। वहीं पे ईव और मेज एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ ईव इस बार समझ चुकी थी कि मेज उसे हमेशा से कहना चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद में ईव कहती है कि मैंने जो भी किया है इन सारी चीजों का मुझे बहुत गिल्ट है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, तो मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जिसके बाद में वो मेज को एक गुड बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। ये गुड बाय मेज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और मेज के लिए ये गुड बाय बहुत पेनफुल था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एला पे जो कि फिर से गॉड के ऊपर बिलीव करने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ डैन जो कि शार्लेट को मिस कर रहा था। यहाँ लिंडा चार्ली का वेट कर रही थी कि कब उसका बेटा उसके पास आएगा, और फाइनली एमेनेडील उसे ले आता है। जहाँ लिंडा एमेनेडील को बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि चार्ली जो कि एक एंजल बेबी है वो यहाँ पे सेफ नहीं है, तो उसे तुम अपने साथ सिल्वर सिटी ले जाओ। एमेनेडील बोलता है कि तुमसे अच्छी माँ उसे कहीं नहीं मिल सकती है, तो शायद वो तुम्हारी गोद में ही सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लूसीफर खड़ा था कि तभी क्लोई आती है और वो लूसीफर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद अब सारी चीजें सही हो जाएंगी। जहाँ लूसीफर कहता है कि मुझे भविष्यवाणी के ऊपर पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए था, जब फादर किनली ने कहा था कि हेल अर्थ पे आ जाएगा उसका मतलब मुझे अब समझ में आया, डीमन हर जगह
जगह घूम रहे थे। क्लोई कहती है कि मुझे इन्हीं चीजों का तो डर था कि तुम कहीं चले ना जाओ। जहाँ क्लोई रोते हुए लूसीफर को बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो लूसीफर को प्रपोज भी कर देती है। जहाँ लूसीफर कहता है कि भविष्यवाणी यही गलत होती है, मेरा पहला प्यार ईव नहीं बल्कि तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में और नहीं रह सकता हूँ। डीमंस को पता चल चुका है कि वो इंसानों की बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं। वो आज तो चले गए हैं, लेकिन कल वो जरूर लौट के आएंगे, और न जाने अगली बार आके वो चार्ली को लेके जाएं या फिर तुम्हें लेके जाएं। इसी कारण उन्हें संभालने के लिए हेल के राजा को वहां जाना ही पड़ेगा। क्लोई यहां पे बहुत बुरी तरीके से रोती है और लूसीफर को रोकने की हर कोशिश करती है। आखिर चार सीजन बाद में जाके क्लोई को लूसीफर से प्यार जो हुआ था, जिसके बाद में फाइनली लूसीफर क्लोई को गुड बाय करता है, वहां से अपने एंजल विंग्स ओपन करता है और हेल के लिए चला जाता है। यहां सीन शिफ्ट हो जाता है हेल में, जहां पे लूसीफर यानी कि द डेविल ने अपना द पेडेस्टल को संभाल लिया था और अब वो फिर से डेविल बन चुका था। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज इस एपिसोड के अंदर हमने जो लूसीफर और क्लोई का गुड बाय देखा है वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो गाइज आप सभी लोगों से मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी लाइफ में सबसे पेनफुल गुड बाय किसे किया है। तो चलिए फिर मैं बिना प्रतीक्षा कराए आप सभी लोगों के लिए सीजन 5 जल्द ही ले आऊंगी। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए टाटा।